अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी एमक्यूएम लंदन का एक ग्रोह पकड़ा गया है, टारगेट किलर्स पकड़े गए हैं, तीन टारगेट किलर्स हैं, सीटीडी की अहम कार्रवाई है। और हैरानकुन बात यह है कि पुलिस अहलकार समेत ये तीन टारगेट किलर्स पकड़े गए हैं। पुलिस का इसमें जो मुलाजिम है वो भी इस वक्त शामिल बताया जा रहा है। पुलिस अहलकार को भी गिरफ्तार किया गया है, तशवीशनाक सूरत हाल है। ये भी बताया गया कि एमक्यूएम लंदन के लिए काम किया करते थे, टॉर्चर सेल बनाए हुए थे इन लोगों ने, और भत्ताखोरी, कत्ल की वारदातें, ये तमाम चीजें इन्होंने एतराफ किया इन तमाम चीजों का। अब सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि पुलिस अहलकार इसमें शामिल है, पुलिस इन लोगों के लिए काम कर रही है। जैसे कि माजी में भी 13 दिसंबर की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में इस एक केस की समाअत हो रही थी, उसमें भी 12,000 पुलिस अहलकारों के हवाले से बताया गया था कि वो तमाम लोग मुलव्वस हैं जराइम में, डकैतियों में और इन तमाम किस्म की वारदातों में मुलव्वस हैं। तो तमाम चीजें वाजे हो चुकी हैं, पुलिस की मिली भगत से ये कार्रवाइयां होती हैं। इस वजह से क्राइम की अगर बात की जाए तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, जराइम पर काबू पाने के लिए कोशिशें तो बड़ी की जा रही हैं, लेकिन ये जो इंकशाफात किए जा रहे हैं कि मुलजमान का मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के कारकुनों के कत्ल का भी एतराफ़ सामने आया है, ये एतराफ़ करते हुए नजर आए, तो इसके अंदर वाज तौर पर यह देखा जा रहा है कि पुलिस भी मुलविस है। अगर पुलिस खुद मुहाफिज होने का दावा करती है और खुद दहशतगर्दी में इन तमाम वारदातों के अंदर मुलविस होती है तो कैसे हिफाजत की जा सकती है? सियासतदानों की अगर बात की जाए, सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए तो सिंध हुकूमत के मातहत ये इदारा है, सिंध हुकूमत क्या इस वक्त लाए अमल तैयार कर चुकी है, क्या स्ट्रेटजी उसके पास है इन तमाम चीजों की रिफॉर्म्स के हवाले से। पुलिस में रिफॉर्म्स की हम बारहा बात करते रहे हैं क्योंकि आधे से ज्यादा जो केसेस हम देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस के महकमे की गफलत दिखाई देती है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से लैक नजर आता है, जिसको पूरा करने के लिए स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, फॉलोअप लेने की जरूरत है। हम जो इस वक्त सिक्योरिटी इदारे हैं उनको चाहिए वाजे करना होगा कि उनके इंटेलिजेंस किस हद तक काम कर रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस बेसिस के ऊपर ये तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। पुलिस के महकमे के अंदर अगर लोग इस तरह से काली भेड़े, अगर मैं कहूँ तो सही होगा, काली भेड़े अगर हैं और ये टारगेट किलर्स एतराफ कर रहे हैं पुलिस के मिलने का और पुलिस के जो लोग हैं वो खुद इसमें मिले हुए हैं, तो बड़ी तशवीशनाक सूरत है। बहरहाल नुमाइंदा K21 न्यूज सौलत जाफरी इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। सौलत, सबसे पहले तो इस अहम कार्रवाई के हवाले से बताइएगा, सीटीडी ने जो कार्रवाई की है, तीन टारगेट किलर्स पकड़े गए हैं और पुलिस अहलकार भी इसमें मौजूद है। जी बिल्कुल बिलाल, सीटीडी ने एक अहम कार्रवाई की है, गुज़िश्ता रोज इसमें तीन मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, इनमें से बताया एक शख्स जो है वो पुलिस एहलकार भी है। ये तीनों जो मुल्जमान है ये इनका ताल्लुक एमक्यूएम लंदन से बताया जाता है। मुल्जमान ने शहर कायद में मुतादिद स्ट्रीट क्राइम समेत टारगेट किलिंग की मुतादिद वारदातों में ये मुल्जमान जो है वो मुलविस है। मुल्जमान की तफ्तीश का सिलसिला जो है वो बढ़ा दिया गया है। बताया जाता है कि ये मुल्जमान जो है वो शहर में सियासी लिसानी और जो है वो सियासी टारगेट किलिंग वगैरह में भी मुलविस थे, और उसके साथ साथ मजहबी जमात के कारकुनान को भी जो है इन्होंने निशाना बनाया है। ये तीन मुल्जमान जो है इसमें से एक पुलिस एहलकार बताया जाता है जिसकी पोस्टिंग थाने में थी, अब जो है इसको जो है वो ड्यूटी से फारिग कर दिया गया है और इस वक्त जो है अभी भी इन मुल्जमान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। एसपी सीटीडी मुर्तजा भुट्टो से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुल्जमान से जो है वो मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है, मुल्जमान से मजीद रिकवरीज भी जो है वो सामने आ सकती हैं, मुल्जमान ने कई अहम इंकशाफात भी किए हैं। अच्छा, एसपी मुर्तजा भुट्टो ने अगर ये कार्रवाई की है, क्या बता रहे हैं, क्या शवाहिद मिले थे पुलिस अहलकार के खिलाफ जिस तरह उसको पकड़ने में मदद हासिल मिली हुई? बिल्कुल, टारगेट किलिंग का एक वाकया रोनुमा हुआ था कुछ दिनों पहले जिस पर सीटीडी ने वर्क किया और उसके बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। जब मुलजिम को गिरफ्तार किया तो उसने अपनी चेन का पता बताया और चेन से एक मुलजिम, फिर दूसरा मुलजिम और तीसरा मुलजिम जब गिरफ्तार हुआ तो मालूम हुआ कि ये मुलजिम जो है वो पुलिस अहलकार है। जब क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका चेक किया गया तो उससे कबल जो है वो पुलिस अहलकार कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन अब जो है वो पुलिस के हाथों है। सीटीडी की पुलिस कार्रवाई करते हुए जो है ये मुलजिम, इस मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया था। इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूं कि इन दो पुलिस अहलकार को छोड़ के दो मुलजमान हैं वो दोनों जो है वो इससे कबल भी बंद हो चुके हैं जेल में, इसी स्ट्रीट क्राइम और टारगेट किलिंग के वाकियात में इससे कबल भी जेल को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये दोनों मुलजमान जेल जा चुके हैं लेकिन ये पुलिस अहलकार पहली दफा जो है वो गिरफ्तार हुआ है, जिनके खिलाफ मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज भी कर लिया गया है। जी अच्छा, गुज़िश्ता दिनों भी एक ग्रोह पकड़ा गया था टारगेट किलर से, वो भी साउथ अफ्रीका से नेटवर्क बताया जा रहा था, उसका ताल्लुक भी एमक्यूएम लंदन से था। ये जो तीन टारगेट किलर्स पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, इनका ताल्लुक भी उसी ग्रोह से?
आज बिल्कुल बिलाल एक मुख्तलिफ वाकिया था, वो एक मुख्तलिफ ग्रुप था, उसको जो लीड करता था वो सलीम बेल्जियम नामी बंदा था जो कि उस ग्रुप को लीड करता था। रेंजर्स ने वो कार्रवाई की थी, इस दौरान 8 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ये जो कार्रवाई है ये सीटीडी की जानेब से की गई है। मुर्तजा भुट्टो एसपी सीटीडी ऑपरेशन 2 के उनका ये कहना है कि ये 3 मुलजमान जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और ये तीनों मुलजमान जो है वो अलग नेटवर्क से काम कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ग्रुपों की वाबस्तगी बताई जाती है एमकेएम लंदन से। आया इस ये कहना कबल अज वक्त हुआ कि ये मुलजमान जो है वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं या इनके ग्रोह जो है इनके ग्रोह के सरगना एक दूसरे को जानते हैं, ये मजीद तफ्तीश के बाद ही बताया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सवाल से वाले से हमें अपडेट करने के लिए। बहरहाल नाजीन मामलात संगीन अख्तियार कर चुके हैं, 3 टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए गए हैं एमकेएम लंदन से, उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। तश्वीशनाक सूरत हाल ये है कि पुलिस एहलकार भी इसमें मुलव्वस है और पुलिस के मुलव्वस होने के जिस तरह से इंकशाफात किए जा रहे थे शवाहिद मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में महकमा पुलिस के जो एहलकार हैं उनके मुलव्वस होने की जो जराइम में मुलव्वस होने के खिलाफ मुकदमे की समाअत हुई थी तो हैरान कुन फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए थे और ये बताया गया था कि 12,000 ऐसे पुलिस एहलकार मौजूद है जिनकी लिस्ट तैयार की गई है जो जराइम में डकैती में और मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस हैं। जब 12,000 पुलिस अहलकारों के बारे में ऐसी खबरें सामने आएंगी तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है पुलिस के महकमे से कि क्या ये तहफ़ फराहम करेंगे, क्या ये आम शहरी की मासूम जानों की हिफाजत करेंगे या फिर यही जिस तरह से दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है दोबारा से स्ट्रीट क्राइम बढ़ता चले जा रहा है, ये क्राइम में जो इजाफा हो रहा है या इन तमाम चीज़ों को फ़रोग देते हुए ये नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इसी मामले पर बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सर हमारे साथ लाइन पर सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सिंध हुकूमत 11 सालों से इस वक्त सिंध में बैठी हुई है, सिंध अगर पुलिस के महकमे की बात करूं ये सिंध हुकूमत के मातहत है। अब ये इंकशाफात किए जा रहे हैं 12,000 पुलिस एहलकारों की जो फहरिस्त पेश की गई है जराइम में डकैती में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस पाए जा रहे हैं, कहां है सिंध हुकूमत, क्यों खामोश है? मेरे भाई आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल बजा है, होना ये चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी उन लोगों के कंधों में होनी चाहिए जो कि आज से 12 बरस पहले या 10 बरस पहले जिन लोगों ने ये भर्तियां की है ना, तो आप जाहिर बात है कि जब आप मतलब किन लोगों ने भर्तियां की है ये महकमा तो आपके पास है ना, आप क्या समझते हैं कि 10 साल पहले अपना दाखला का जो महकमा था वो हमारे पास नहीं था मेरे भाई? जब भी आप ही के पास था सर वजारत दाखला। 11 साल से आपके पास नहीं है वजारत दाखला सर अपना, मतलब आप ये कह रहे हैं ये सारी भर्तियां ये सारी काली भेड़े 11 साल पहले की हैं जो बड़ी हो चुकी हैं अब और ये बड़ी वारदातों में मुलव्वस हैं, अब तक 11 सालों में कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई है, सारी भर्तियां शफाफ हैं मेरे भाई। कल को कोई अपना वारदातिया पकड़ा जाता है जी केएमसी के डिपार्टमेंट में सिटी वार्डन में तो वो भी हमारे खाते में डाल देंगे। मतलब अगर ये काली भेड़े मौजूद थी तो फिर एहतसाब क्यों नहीं किया गया, 11 सालों से तो आपके पास महकमा है खुद रिक्रूट कर लेते। नहीं हम लोग तो अब जाहिर बात है कि जब से इंतजामी अमूर हमारे पास है हम तो बेहतर तौर पे उसको सलीके से देख रहे हैं और अब असल में बात यह कि ऐसे इलाकों से और ऐसी जगहों से अब ये लोग जो है शिनाख्त हो रही है इनकी और पकड़े जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से इसका मौजूद इल्जाम हमें ठहराना मुनासिब नहीं है, पीपल पार्टी को ठहराना मुनासिब नहीं है। ये तो आप ये देखें ना कि मुकामी बच्चों के हाथ में हथियार जो ये टारगेट किलर बनाने का जो मस्जिद है वो कौन है, हम लोग तो नहीं है ना। कौन लोग हैं फिर आपके इल्म में मुझसे ज्यादा बेहतर है? नहीं मैं तो नहीं जानता, आप बताएं कौन लोग हैं। मेरे ख्याल से ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लिसानी सियासत को जो है वो लिसानी सियासत के बानी जिनको कहा जाता है ये वही लोग हैं भाई जिन्होंने अपना मुकामी बच्चों को मुकामी नौजवानों को हाथ में अतला देके जो है वो मतलब सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी भरी जिम्मा हो चुकी है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर सिंध पुलिस के अंदर इस तरह की काली भेड़े मौजूद हैं गिरफ्तार किया जा रहा है और ये इंकशाफात किए जा रहे हैं कि टारगेट किलिंग में डकैती में और दहशतगर्दी की वारदातों में पुलिस अहलकार भी मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल जाहिर बात है कि वो तो अब आप काली भेड़े मौजूद हैं
और सिंध पुलिस तो निकाल फेंके ना काली भेड़ों को, आपके पास इदारा है, अब तो ख्वाबे खरगोश से जाग जाएं। मेरे भाई अपना देखिए, सिंध पुलिस का जो दायरा है ना वो कश्मीर तक जाता है। आपने कितने टारगेट किधर, आपने सुना होगा कि सखर से, कश्मीर से, बनीन से कितने टारगेट किधर पकड़े जाते हैं। अब देखिए ना, बात यह है कि हमारा जो मैंडेट है वो यहाँ पे मुकामी तौर पे इतना पीपल पार्टी का इतना बड़ा मैंडेट नहीं था। अच्छा, वहाँ पर किसी किस्म की वारदात नहीं है, वहाँ माहौल जो है वो पूरा अमन है? नहीं, पूरा अमन नहीं है, लेकिन टारगेट किधर तो नहीं पकड़े जा रहे हैं। आप मुझे बताएंगे, आप न्यूज एंकर हैं, इतना बड़ा शहर है, टारगेट तो यहीं पर होंगे ना जो हाई प्रोफाइल्स हैं। नहीं, बड़े शहर है, मेरे ख्याल से सखर भी बड़ा शहर है और उसके आगे भी बड़े शहर हैं, ऐसा नहीं है, कराची से छोटे हैं। कराची जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे मौजूद जी, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इकोनॉमिक हब है, आबादी के लिहाज से बड़ा शहर है, तो यहाँ पे जो टारगेट पकड़े जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वहां पर नहीं पकड़े जाते, इसलिए बड़ी जिम्मा होती है पीपल्स पार्टी? नहीं, इस वजह से बड़ी जिम्मा नहीं होती पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी का जो बड़ा मैंडेट है वो अंदरून सिंध, आपके इल्म है कि बहुत बड़ा मैंडेट है अंदरून सिंध, और इसीलिए आप वहीं पे काम कर रहे हैं। कराची को बिल्कुल तर्क किया हुआ है? नहीं, कराची को तर्क क्या किया हुआ, आप देख रहे हैं कि अपना किस अंदाज में आप कह रहे हैं टारगेट क्लियर पकड़े जा रहे हैं, तो उन लोगों से सवाल करें जो लिसानी सियासत के बानी समझे जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल, हम तो आपसे सवाल करेंगे, हुकूमत आपकी है मेरे भाई, हुकूमत तो हमारी है, लेकिन अब इसकी बीच कनी जो है वो इतनी जल्दी आप कहें तो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी 11 साल, सर 11 साल जल्दी नहीं है, ये बच्चा भी जवान हो जाता है 11 सालों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल भाई, लेकिन 11 सालों में जो अच्छे काम है वो भी गिनवाइए ना हमारे। चलें फिर मानते हैं, एतराफ करते हैं, कराची से हुकूमत नहीं मिली, वोट नहीं मिलता, तो इस वजह से यहाँ से मामला तर्क किए जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कराची की जितनी खिदमत पीपल पार्टी कर रही है वो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर रही है। आप उस तरफ लेके नहीं जा रहे चीजों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इफ्तिखार हुसैन साहब मौजूद हैं और हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी कहां पर है 11 सालों से, और पुलिस के महकमे की जो काली भेड़े हैं उनका एहतसाब कब होगा, उनके ऊपर कदगन कब डाली जाएगी, कब उनको रोका जाएगा, अब ये दहशतगर्दी में, टारगेट किलिंग में, डकैती की वारदातों में ये मुलविस होने के जो इंकशाफात किए गए हैं, 12,000 पुलिस एहलकारों के हवाले से लिस्ट जारी की गई है जो इन तमाम चीज़ों में मुलविस हैं। टारगेट किलिंग के हवाले से टारगेट किलर पकड़ा जाता है, एमक्यूएम लंदन से उनका ताल्लुक बताया जा रहा है, पहले भी एक ग्रोह पकड़ा गया, ये तमाम कार्रवाइयां तेज होती हुई नजर आ रही हैं इंटेलिजेंस की जानिब से, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, लेकिन तश्वीशनाक सूरत हाल मामला यहां पर आकर रुकते हैं। सवालिया निशान यहां पर है कि पुलिस अहलकार खुद मुलविस हैं, ये बताया जा रहा है कि इन लोगों के लिए, इस नेटवर्क के लिए काम किया जाता था, तो ये बड़े तश्वीशनाक सूरत हाल है। आपको रिक्रूट करना पड़ेगा, आपको दोबारा से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं, पुलिस के रवैयों के हवाले से भी बात करते हैं, पुलिस असले के हवाले से भी बात करते हैं, अब ये जो इंकशाफात हुए हैं इसके ऊपर भी आपको थोड़ी सी नजरसानी करनी पड़ेगी। बहरहाल बल्दिया उज़्मा कराची की गफलत को शहरी भुगतने पर मजबूर हो चुके हैं, क्या मामला है, क्या चीजें, डिस्कस करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे बल्दिया उज़्मा कराची की गफलत के हवाले से। इस वक्त बहुत सारे मामलात हैं जो गफलत बढ़ती जा रही है इस इदारे की जानिब से, लेकिन एक जो इस वक्त सरे फहरिस्त मामला है वो है जरासीम कुछ स्प्रे का मामला है, जिस तरह से बताया ये गया है, रिपोर्ट किए गए हैं, मलेरिया केसेस सामने आ रहे हैं, 50 केसेस सामने आ चुके हैं। अब ये तमाम चीज़ें हैं, स्प्रे क्यों नहीं किया जा रहा, किसकी जिम्मेदारी है, और ये फंड्स तो ले लिए जाते हैं लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो इदारे या फिर नुमाइंदे या फिर अहलकारी तो जो भी लोग हैं ये खामोश क्यों हो जाते हैं, पैसा किसकी जेब में जाता है, कोई सवाल नहीं पूछा जाता। बात जब आती है स्प्रे मुहिम के हवाले से तो तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका है अब तक स्प्रे नहीं किया गया, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, रिपोर्टेड हो रहे हैं जितने भी केसेस हैं मलेरिया के हवाले से, मैं अगर आपको बताऊं तो 50 केसेस जो आए उसमें से 10 मलेरिया के केसेस निकले हैं, शिकार हुए हैं मलेरिया का। अब ये बढ़ती हुई तादाद सामने आ रही है, हुकूमत कहाँ पर है, अगर इस हुकूमत की बात की जाए, बल्दिया उज़्मा की बात की जाए, इसकी डोमेन में जो चीज़ें आती हैं उस पर गफलत बढ़ती जाती है, जब फंड्स की बात आती है, इख्तियारात की बात आती है तो बड़ा वाविला होता है, बड़ा शोर मचाया जाता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है कुछ क्यों हो जाते हैं,
ये सवाल यहां पर पैदा था। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नुमाइंदा K21 न्यूज हैं आसिफ नफीस। आसिफ बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले तो जरा सा इसके ऊपर तमहीद बांधी है मैंने, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। ये मामला असल में है क्या, स्प्रे क्यों नहीं किया जा रहा, बीमारियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए बिलाल, मैं आपको बता दूं, तकरीबन 1.5 साल पहले कराची में आखिरी दफ़ा KMC की तरफ से ये स्प्रे मुहिम की गई थी। मच्छरों की अफजाइश, ज़ाहिर बात है कराची का एक बहुत बड़ा मसला है सैवरेज। सैवरेज वो वाहिद मसला है कराची का जो कि मच्छरों का और दीगर जरासीम की अफजाइश में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। इस टाइम जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं जो KMC की डोमेन में आते हैं या वो सिंध गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में आते हैं, वहाँ पर आने वाले मरीजों में 20% लोग जो हैं वो मलेरिया का शिकार हैं। मलेरिया और डेंगू के जो मर्ज़ है उसकी अहम वजह जो है वो मच्छर और मच्छरों की अफजाइश की सबसे अहम वजह जो है वो सैवरेज का गंदा पानी है। कराची वाटर एंड सैवरेज बोर्ड या KMC या दूसरे मुतल्लिका इदारे, उनकी कोई तवज्जो नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट है KMC का, 1.5 साल पहले इस पर हुआ था। KMC के पास वैन्स हैं, KMC के पास पंप्स हैं, मशीनरी है, तमाम स्प्रे के लिए बजट से अलॉट होते हैं, लेकिन तो किस चीज़ की कमी है जब तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ये स्प्रे मुहिम क्यों नहीं स्टार्ट की जा रही? देखिए जो कमी है ना वो विल की है बिलाल। अगर आपके पास विल नहीं है काम करने की या आप अपनी आवाम को फैसिलेट नहीं करना चाहते, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक मेट्रोपोलिटन सिटी में इनके हवाले से कोई पूछताछ नहीं होती, इनके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं किए जाते, कोई इनकी रिक्रूट नहीं की जाती, किसी किस्म का एहतसाब नहीं है? बिलाल देखिए कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, 1 KMC है और इसके अलावा 240 से ज़्यादा जो है यूनियन काउंसिल हैं। हमने 12 यूनियन काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के साथ, KMC में मेयर कराची के साथ इस चीज़ की निशानदेही की है कि कराची में स्प्रे ना करने की वजह से लोगों में वबाई अमराज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मलेरिया, डेंगी एक जो वो जानलेवा मर्ज़ है उसकी भी अफजाइश की जो असल की सोर्स है वो यही मच्छर होते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आपकी विल नहीं है या आपके मकासद में चीज़ नहीं है कि आपने कराची की आवाम को आसिफ बिल्कुल आपसे इस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कॉरंग की नैयर रजा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये जब काम की बात आती है, जब इदारों की परफॉर्मेंस देखी जाती है तो सिफर होती है, फंड्स हो मामलात सारे पूरे होते हैं, जब नहीं होते तो इख्तियारात का रोना होता है, फिर फंड्स का रोना होता है, काम करके क्यों नहीं दिखाया जा रहा? जब ये स्प्रे मुहिम चलाने की बात आती है जरासीम कुश, तो वो 1.5 साल का अरसा हो चुका है, नहीं होकर दे रही है? नहीं, ये मुझे नहीं पता, आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो किसने दी है? KMC जो है वो स्प्रे मुहिम का करती है और हर डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 महीने के बाद जो है वो नंबर आता है और हमारे यहाँ भी 2 महीने पहले स्प्रे मुहिम हुई है, KMC की जानब से हुई है। 50 गाड़ियां उनकी जो सुजुकी हैं स्प्रे मशीन जिसके ऊपर इंस्टॉल हुई हुई है वो आती हैं और हम अपनी, हमारे पास 37 यूनियन काउंसिल हैं, हम 37 में हज में एक एक गाड़ी को रवाना करते हैं और जो बाकी 13 गाड़ियां उनको जो मेन रोड्स होते हैं हमारे उसके हम स्प्रे कराते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में 2 महीने या 3 महीने के बाद। सर शहरी तो कह रहे हैं कि उनको तो कब नजर ही नहीं आती स्प्रे मुहिम, आपके कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में कब हुई थी लास्ट टाइम? किसने कह रही है ये शहरी कह रहे हैं, ये बताएं आपके कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में लास्ट टाइम कब हुई है? 3 महीने बाद ये रिकॉर्ड होता है। देखिए ये सारी रिकॉर्डेड चीजें होती हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में ही हर 3 महीने बाद टर्न आता है इसका और हमारे यहाँ 2 महीने पहले KMC की जानिब से इससे मुहिम की गई है और ये मुझे हैरत है कि अगर ये किसी को वायरल नहीं नजर आई तो बड़ी हैरत अंगेज बात है। ये पूरे मतलब आप ये कह रहे हैं रिकॉर्ड पर मौजूद है, आपके पास ये तमाम रिकॉर्ड मौजूद है? जी ये रिकॉर्ड पर है क्योंकि लाजिम आते एक डिस्ट्रिक्ट में 50 के करीब सुजुकियां आएंगी तो वो तो नजर आएंगी ना और वो KMC हैरान को तशवीशनाक सूरत हाल तो यही ना, 50 अगर सुजुकी आएंगी तो वो तो नजर आएंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल आएंगी। तो ये तो होता है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर से अगर पूछेंगे तो वो आपको तस्दीक करेंगे इस बात की। लेकिन हमारे पास जो खबर मौसूल हुई थी उसी की बेस पर हमने ये बताया कि बड़ी हैरत अंगेज। जी बिल्कुल मुझे बड़ी हैरत हुई है इस खबर के ऊपर क्योंकि ये मेयर कराची की जानिब से स्प्रे कराया जाता है और ये तमाम डिस्ट्रिक्ट में होता है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है कराची में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट साउथ हो या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, डिस्ट्रिक्ट औरंगी हो, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो या वेस्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो एक बनाई गई है,
तो सब जगह बराबरी की बुनियाद। लेकिन मजेदार बात यह है सर, मजेदार बात यह है कि सीवरेज का निजाम धर्म भरम हुआ है हर जगह। सड़क पर आप देखें तो नालों का पानी, जिस तरह गंदा पानी खड़ा हुआ है वहां पर मच्छरों की अफजाइश बढ़ती नजर आ रही है। ये कौन सा स्प्रे है, ये कौन सी मुहिम है कि वो करके चले जाते हैं, मच्छर मरने का नाम ही नहीं ले रहे, मच्छर क्या मॉडिफाई होकर आ रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल, अब ये जो आपकी बात है ना, ये बिल्कुल एक अलग अलग चीज है। सीवरेज का जो महकमा है, आपकी नॉलेज में होगा कि ये हमारे पास नहीं है, डीएमसी के पास नहीं। नहीं, मैं महकमे की बात नहीं कर रहा, मैं उन मच्छरों की बात कर रहा हूँ जो पैदा हो रहे हैं, स्प्रे मुहिम की जा रही है, मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहे। दस केसेस रिपोर्ट हुए मलेरिया के। मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, ये जो स्प्रे किया जाता है ना, ये इसका जो ड्यूरेशन होता है वो एक घंटा होता है, एक मशीन में जो होता है। सही है, एक घंटे तक में वो एक यूनियन काउंसिल के अंदर स्प्रे किया जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि इसको बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर लोगों के लिए भी नुकसानदेह होता है, इसलिए इसका जो ड्यूरेशन है वो कम रखा जाता है। अब वो जो मच्छरों वाली आप सीवरेज का जो बात कर रहे हैं, हमें जरूरत इस बात की है कि उस सीवरेज के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें ताकि फिर ये इस तरह की कंप्लेंट्स खत्म हो जाए कि जी मच्छर होते हैं। तो उसके लिए बेहतर है कि सीवरेज बोर्ड को हम अपग्रेड करें और उनको जो काम करने चाहिए उसको हम पाबंद करें कि जी वो काम करें, कहीं पर सीवरेज का पानी। ठीक है सर, हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा आसिफ नफीस भी मौजूद हैं स्टूडियो में। आसिफ, इस हवाले से भी बताइएगा कि जिस तरह से बताया कि दो महीने पहले ही ये स्प्रे मुहिम हुई है और जिस तरह सूरत हाल है, मच्छरों की अफजाइश बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से मामलात हैं हर इलाके में, क्या सूरत हाल है जरा सा वो बताइएगा आप। देखिए जी, अभी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट करेंगी नैयर रजा साहब ने कहा कि तीन महीने पहले ये मुहिम हुई थी और जिसमें 50 सुजुकी जो केएमसी ने रिप्लाइड की थी और उन्होंने ये किए, जो एक यूसी का जो रकबा है, जिस एक यूनियन काउंसिल का जो करेंगी का रकबा है, उसमें एक सुजुकी एक घंटे के अंदर वो उस एरिया का चक्कर भी कंप्लीट नहीं कर सकती। और जिन्होंने कहा कि जी उसका जो मकदार है, उसकी जो टाइम है, वो एक घंटे तक वो स्प्रे किया जा सकता है। ये कैलकुलेशन अपनी जगह सही होगी, लेकिन महकमा हेल्थ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस टाइम हर आने वाले मरीजों में 20% मरीज जो हैं वो मलेरिया का शिकार हैं और जिनकी सबसे जो बुनियादी वजह है वो गंदे पानी में पैदा होने वाले मच्छर हैं। ये एक कौम के लिए या कराची की आवाम के लिए इंतहाई तश्वीशनाक बात है। इस टाइम अगर आप स्टैटिस्टिक उठा के देखें, जो आदाद व शुमार उठा के देखें, कराची के अस्पतालों में डेंगू के मरीज़, मलेरिया के मरीज़ और दूसरी वबाई अमराज के मरीज़ की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उसकी अहम वजह जो सोर्स बन रही है वो मच्छर और दूसरे जरासीम हैं जो कि गंदे पानी में अफजाइश पा रहे हैं। अब वो डीएमसी हो, यूनियन काउंसिल हो, केएमसी हो, ये यहाँ की आवाम का बुनियादी हक है कि उनके एरियाज़ में ये स्प्रे किए जाएं ताकि जो बीमारी है उससे जो है लोग महफूज रखें। कुलंगी का वो इलाका है कि जहाँ पर ज़्यादातर आबादी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की है, वो फ्यूमिगेशन जैसी महंगी सर्विस को अपने घर में अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी मुख्तलिफ जगहों पर लोगों से भी बात हुई है तो उनका कहने का यही था, मकसद यही था कि देखें, एक तो गलियों में सर्विस का पानी खड़ा है जो कि मच्छरों की अफजाइश कर रहा है, लोगों के घरों में आने वाला पानी उसमें गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा है, वबाई अमराज पेट के अमराज में मुसलसल इजाफा होता चला है। तो ये एक पूरा मैकेनिज़म है जो डिस्टर्ब हुआ हुआ है इस टाइम, शहरी हुकूमत का पूरा मैकेनिज़म केम। ठीक है आसिफ, नहीं रजा साहब इसके ऊपर कोई कमेंट देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये आपके जो रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि ये इश्यूज हैं। और देखिए ये सारी कंसर्न जैसे कि इन्होंने बताया कि सब सीवरेज है, वाटर है, लीकेजेस होती हैं, उससे भी मच्छर उनकी अफजाइश होती है। अगर साफ पानी होता है तो उसमें भी मच्छर पैदा होते हैं और सीवरेज से तो खैर होते ही होते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली ये जो सिस्टम 2016 में आया है बल्दियात का, इसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारे पास नहीं है। और ये हम, मेरे ख्याल में हर प्रेस ब्रीफिंग में जब भी बल्दिया के हवाले होती है उसमें बताते भी हैं। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसी कंप्लेंट्स को रिमूव करें हम जहाँ सीवरेज मौजूद हो। चले सर, वो इदारा अपना काम नहीं कर रहा, गफलत बरती जा रही है, नालों का पानी, सीवरेज का पानी सड़कों पर है, आप मच्छर मार दे चले। देखिए मैं आपसे यही तो गुजारिश कर रहा हूँ, एक सुजुकी पूरे डिस्ट्रिक्ट का चक्कर नहीं लगा सकती क्या, काफी है? फ्यूमिगेशन की एक लिमिट्स होती है। देखिए आप भी अपने घर के अंदर ना बहुत ज्यादा फ्यूमिगेशन नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो आप अपने घर से बाहर आएंगे और फिर करेंगे, तो इसकी एक घंटा बहुत होता है, एक से डेढ़ घंटा बहुत होता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर
जो होता है वो दवा होती है, तो वो हम ज्यादा कर भी नहीं सकते, इसीलिए इसमें गैप दिया जाता है और वो किया जाता है। लेकिन आपकी बात सही है, इतना ज्यादा मिकदार में नहीं किया जाना चाहिए, हार्मफुल हो सकता है, लेकिन वो सुजुकी जो है वो एक घंटे में पूरे डिस्ट्रिक्ट का चक्कर तो लगाए, पूरे इलाके में तो हो सही से। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक सुजुकी एक यूनियन काउंसिल में जहाँ जहाँ उसकी एक्सेस होती है सुजुकी की, वो वहाँ पे चक्कर लगाती है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसको मुस्तकिल पैमाने पे जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अगर हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो शायद वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर रजा साहब आपने हमें ज्वाइन किया। आसिफ ये बताएं कि जिस तरह से इदारों की जिम्मेदारी की, लेकिन एक दूसरे पर बयानबाजियां की जाती हैं, तो आसिफ किसकी गफलत है ये? ठीक है मैं मानता हूं जिस तरह से सिवरेज का निजाम धर्म भरम हुआ है, सिवरेज के निजाम को भी ठीक करने की दुरुस्त करने की जरूरत है। इनके हवाले से क्या इंकशाफ आते हैं, ये स्प्रे मुहिम के हवाले से क्या ये इतनी सुजुकी की जो तादाद इन्होंने बताई है क्या ये काफी है? देखें जी, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कराची का। अगर आप बात करें कि जी 50 सुजुकियों से वहाँ पर इस पर मुहिम को कंप्लीट किया जा सकता है तो नामुमकिन बात है। केएमसी का मेन डोमेन है शहर में ये जैसे कुछ अद्वियात का स्प्रे करना। केएमसी मेयर कराची या मुतालिका इदारे जो है वो इसको क्यों नहीं कर रहे, क्यों इसको जो है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं किया जा रहा? लोगों के तादाद मरीज़ों की जो है ना इस हवाले से बढ़ती चली जा रही है। हालिया बरसात में पिछले साल भी हमने देखा कि जी नालों की सफाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से नाले बाहर आ गए थे, उबल गए थे, रोडों पे सड़कों पे पानी था, जरासीम पैदा हो रहे थे, मच्छर पैदा हो रहे थे। केएमसी का एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है, मेयर कराची उसको हेड करते हैं, एक पूरा मैकेनिज्म है, करोड़ों अरबों रुपये का फंड है, लेकिन ना जाने क्या बात है, क्या वजूहात है, गफलत बढ़ती जा रही है। बहरहाल आसिफ बहुत शुक्रिया हमें इस हवाले से ब्रीफ करने के लिए और आगाह करने के लिए। नाज़रीन मामलात वाज़े हो चुके हैं, जिसका काम है वो नहीं कर रहा है, दूसरे के ऊपर बयानबाजी की जा रही है कि वहां से मामलात डिस्टर्ब हैं तो हम कैसे करें। अरे भाई, आपका जो काम है, आपकी जो डोमेन है, आप उसको तो पूरा करें, वहां पर भी बयानबाजी की जा रही है तो मामलात कैसे टेकअप कर सकते हैं आप, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? फिर आप सवाल आप पर उठता है, जवाब आपको ही देना है। बहरहाल ये तमाम चीजें हैं। एक अफसोसनाक खबर मैंने कल भी ब्रेक की थी और ये खबर ऐसी नहीं है कि इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की जाए या फिर मामलात को आगे बढ़ाने के लिए या रेटिंग के लिए की जाए, लेकिन अफसोसनाक इंतहाई शर्मनाक खबर थी। एक जैनब कत्ल केस मामला था जिसको पूरे मुल्क ने सपोर्ट किया था। अब ये मामला है कराची में 10 साल बच्ची के साथ ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है, हाथ पैर बांध कर तशद्दुद करने के बाद उसे पानी के टैंक में फेंक दिया गया। ये कौन दरिंदे हैं, ये कौन लोग हैं जिनके अंदर, जिनके दिलों में, दिमाग में इंसानियत नाम की चीज नहीं है, ये कौन वहशी दरिंदे हैं? इन तमाम चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे एक वफे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, उस स्टोरी के ऊपर बात करेंगे जो मैंने कल बताया था कि प्रोग्राम की डोमेन चेंज कर दी गई थी। इस कुर्सी पर जैसी बैठा आके वो खबर मौसूल होती है और इंतहाई अफसोसनाक शर्मनाक ये मामला है। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी बच्चियां इस वक्त इस माशरे में महफूज नहीं है। कितना भी आवाज उठा लो, कितनी भी बात कर लो, ये दरिंदगी के वाकयात, ये वैशी लोग, ये कहां से, ये कौन सी मखलूक है जो ये सोचते नहीं है, या कौन सी हविस है इनके अंदर जो निकल कर बाहर आती है? बच्चियों को दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। बच्ची के हवाले से जो खबर मैंने बताया कि 10 साल बच्ची थी, उसको तशद्दुद करके पानी के टैंक में दुपट्टे से बांध के, रस्सियों से बांध के, गला घोट कर उसको पानी के टैंक में डाल दिया गया। क्या ये तमाम चीजें करते हुए एक वक्त ख्याल नहीं आया कि वो मासूम बच्ची भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है? ये तमाम चीजें इंतहाई अफसोसनाक मामला है। मुआशरा किस तरफ जा रहा है, सोचने की जरूरत है, या फिर इन लोगों के खिलाफ, इन वैशी दरिंदों के खिलाफ कार्रवाइयां करने की जरूरत है, सख्त सजाएं देने की जरूरत है, चौराहे पर लटका देने की जरूरत है, ताकि इनको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि हर इंसान सोचे ये तमाम जो काम करने के लिए जो सोच जब जहन में आती है, गंदी सोच जो जहन में आती है, ये सोच भी ना आए जहन में। बहरहाल ये तमाम चीजें हैं। इस वक्त समाजी रहनुमा सारिम बर्नी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये जो वैशी दरिंदे हैं, इनको कैसे रोका जाए, कैसे लगाम डाली जाए, ये हमारी बच्चियां इस माशरे में महफूज नहीं है? देखिए, दो तीन चीजें कहूंगा। एक तो ये जो खाली बिल्डिंग है, खाली प्लॉट, खाली ऐसी जगहें होती हैं,
इसकी हिफाजत के लिए कोई गवर्नमेंट को निज़ाम बनाना चाहिए जिसकी जगह हो उसको पाबंद किया जाए कि वहाँ की जिम्मेदारी उसके जो है ना सपोर्ट होनी चाहिए। हमारे यहाँ चीज़ें ऐसी बना करके खाली बिल्डिंग छोड़ देते हैं, रास्ते खुले छोड़े हुए होते हैं, जिसका जी चाहता है उस जगह को यूज कर लेता है, ईजी एक्सेस मिल जाती है लोगों को। ये ज़्यादातर लोग नशे ही लोग होते हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो हविस जिनको बहुत ज़्यादा होती है, उनकी डिमांड नहीं पूरी हो रही होती है, तो वो फिर इस तरीके के जो है ना बच्चों को निशाना बनाते हैं। फिर सजाएं नहीं है हमारे पास, सज़ा की तरफ जान अगर किसी कोई लेके भी जाता है तो उसको इस तरह थका दिया जाता है कि वो जो है ना माफी तलाफी करके, और हमारी वो कि जी अल्लाह की केस थी, अल्लाह ने ले ली, भाई अल्लाह ने नहीं ली है, कुछ जाती की गई और जाती पे अल्लाह ने सजा के लिए कहा गया है, लेकिन हमारे यहाँ सजा का कोई निज़ाम नहीं है। बंदे मकसद अगर किसी के साथ इतनी जाती होगी उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, सपोर्ट करता है तो उसकी नौकरी जो है ना आए दिन अगर महीने में दो या तीन छुट्टियां भी वो कर ले तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो एक मसला नहीं होता, 100 मसाइल पैदा कर दिए जाते हैं और सजा की तरफ कोई नहीं जा पाता। जिस दिन सजाओं की तरफ जाने लगे, जल्द फैसले होने लगे, से 3 to 6 months इस पे कार्रवाई होने लगी, फाइनल फैसले तक जाने लगे, आप देखिएगा ये चीजें ऑटोमेटिकली रुकना शुरू हो जाएंगी। फिर लोगों को इलाज की भी जरूरत है, लोगों को एक शादी की भी जरूरत है, हमें कई जगहों पे इससे जो है ना वर्क करने की जरूरत है। हम सिर्फ सजा की बात करें या और कोई ऐसी बात करें, मेरे ख्याल है इसमें कई चीजें हमें देख करके काम करना पड़ेगा जब जाकर के जो है ना किसी हल तक के पहुंचेंगे। वो जो कसूर वाला वाकया हुआ था वो भी ऐसे कि खाली घर के अंदर ले गए थे, आप इतनी खुली जब जगहें दे देंगे, खाली घर पड़े होंगे, बिल्डिंग्स पड़ी हुई होंगी, कोई चौकीदार का निज़ाम नहीं होगा, कोई रोकथाम का निज़ाम नहीं होगा, तो ऐसे बच्चे पटापटो करके लेकर के जाएंगे और ये सब कुछ होता रहेगा। हम आप मतलब हमें कानून के अंदर तब्दीली की जरूरत है या हमारे पास ऐसा कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है? देखिए पहले तो जो कानून है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है, दूसरा कानून में तब्दीलियां भी लानी है। ये कानून जो बने हुए हैं घिसे पिटे इस पे काम नहीं होगा, आज का दौर कहीं आगे बढ़ चुका है। ये जो कानून बने हुए बरसों पुराने कानून है, उस वक्त ये निज़ाम ये चीजें ये सिलसिले नहीं थे, तो अब कानून भी बदलना है, लेकिन जो कानून है उस पर अमल तो शुरू करें हम। जब अमल शुरू करेंगे तो किसी मंजिल पर पहुंचेंगे, उसमें फिर बेहतरियां लाने के लिए अमेंडमेंट करेंगे ना। यहाँ तो जो कानून बना है उस पर ही कोई अमल नहीं है, तो अमेंडमेंट क्या होगा उसके अंदर फिर? ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया। बहरहाल नाज़रीन इंतहाई शर्मनाक ये और उन वालिदैन से भी गुजारिश है कि जो इस तरह के टॉपिक्स हुआ करें, जो मासूम बच्चे इस वक्त मुझे बैठे हुए देख रहे हैं, तो वालिदैन से गुजारिश है कि चैनल तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सुनने की समझने की ज़रूरत है कि वालिदैन की यहाँ पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने बच्चे की खुद हिफाजत करें, खुद उसे तहफ़ दें। मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, किसी की भी बातों में आ सकते हैं, किसी की भी बहकाई हुई बातों में वो आकर कहीं भी जा सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, पैदा करके छोड़ देना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उनकी तरबियत, उनको पाल पोस कर बड़ा करना, उनकी हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये जो मामलात होते हुए नजर आ रहे हैं, वालदैन से मैं गुजारिश करता हूं कि आपने अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, वरना इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। ये जो वैशी दरिंदे हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और हुकूमत से गुजारिश है कि इनकी सजाएं सख्त की जाएं, इनको जब पकड़ लिया जाता है तो इबरत का निशान बनाया जाए, जब तक इनको इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा ये मासूम बच्चे महफूज नहीं है। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, मासूम छोटे छोटे बच्चे हमारे माशरे में जब महफूज नहीं है तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं कि ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं? मुस्तकबिल के मेहमानों को तहफ़ देना रियासत की जिम्मेदारी है, उनको तहफ़ देना वालदैन की जिम्मेदारी है। वालदैन से गुजारिश करता हूं मैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। इसके ऊपर बात करूंगा मैं आगे आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर भी, वालदैन के हवाले से भी, बच्चों की तरबियत के हवाले से भी, और वालदैन को किन किन चीज़ों पर जोर देना चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त अभी खत्म हुआ, आपने अपना फीडबैक जरूर देना है और अपनी राय का भी इजहार करना है। मैं आपके फीडबैक का खैर मकदम करता हूं, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।